डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा इंग्लिश लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग हमारे तमाम इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शामिल होता है, अहम सवाल है। प्रेसी का मतलब है प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब बरीफ करना, मुख्तसर करना, मुख्तसर मगर जामे बात करना। मतलब है कि उस कोई भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है उसकी समरी बयान करना, चंद लफ्जों में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, आपने उसे मुख्तसर करके बयान करना है, और जो अनइम्पोर्टेंट या इरेलीवेंट पॉइंट्स हैं आपने उनको हजफ कर देना है। प्रेसी राइटिंग के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपने मुख्तसर करके लिखना होता है। ये एक टेक्निकल टॉपिक है, एक टेक्निक है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो वहां पर बैठे जो सहाफी हैं वो उसकी पूरी स्पीच को नहीं लिख सकता, तो क्या करते हैं कि वो चंद पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसकी स्पीच की प्रेसी बना लेते हैं, ब्रीफली उसको लिख लेते हैं, उसकी समरी को लिख लेते हैं, फिर अपने न्यूज़पेपर के अंदर फिर वो पूरी स्टोरी बना सकते हैं, पूरी बात उसकी लिख सकते हैं। या स्टूडेंट्स के लिए जब क्लास में वो लेक्चर ले रहे होते हैं तो टीचर जो कुछ पढ़ाता है स्टूडेंट वर्ड बाय वर्ड हर चीज़ नहीं लिख सकता, तो स्टूडेंट भी नोविंगली या अननोविंगली उसकी प्रेसी बनाता है, कुछ पॉइंट्स लिख लेता है, अहम नुकात को लिख लेता है, टीचर के लेक्चर की समरी को लिख लेता है। ये भी एक तरह की प्रेसी होती है, प्रेसी राइटिंग होती है। तो इस तरह से प्रेसी राइटिंग एक टेक्निक है, आप मुख्तलिफ चीज़ों को ब्रीफ करके उनकी समरी को लिख सकते हैं। हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर जो प्रेसी राइटिंग का पैराग्राफ आता है उसका तरीका ये है, उसका रूल ये है कि आपने उसका 1/3 लिखना है। जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ का तकरीबन 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा आपने लिखना है। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ के अंदर 99 वर्ड्स हों तो उसका तीसरा हिस्सा आपने तकरीबन 33 अल्फाज की, 33 वर्ड्स की आपने उसकी प्रेसी लिखनी है। मिसाल के तौर पर उर्दू के कुछ फिक्रे लेते हैं कि अकरम का ताल्लुक एक गरीब खानदान से है, अकरम का वालिद उसके बचपन में फौत हो गया था, अकरम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये तीन फिक्रे हैं, अगर हम इस तीन फिक्रों को एक फिक्रे में इसकी प्रेसी बना के लिखें तो किस तरह लिखेंगे। हम इन तीनों फिक्रे की प्रेसी लिखेंगे कि असलम यतीम हो गया, तो बात उसमें मुकम्मल आ जाएगी कि उसको कौन सी मुश्किलात का सामना है। तो ये हमने उसकी प्रेसी बना दी है। तो इस तरह से इंग्लिश का भी जो पैराग्राफ आपको दिया जाता है आप उसको, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, आप उसको लिख सकते हैं, उसको मुख्तसर करके उसका तकरीबन 1/3 हिस्सा आप लिख लेंगे तो ये आपकी प्रेसी बन जाएगी। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आपका बहुत शुक्रिया।